हाय फ्रेंड, इस वीडियो में बात करने वाले जो फेस्टिवल विशेष वेबसाइट होती है इस पर वर्क करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, अगर वर्क कर रहे हैं तो क्या गूगल एडसेंस के ऐड लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते हैं, क्या इससे अर्निंग होगा या नहीं होगा, क्या मेरी वेबसाइट वायरल होगी या नहीं होगी, होगी तो कैसे होगी, ये सब आप पूछ रहते हो तो इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। और जो मेरा ओपिनियन है मैं आपके साथ शेयर करूंगा, क्या मैं इवेंट ब्लॉगिंग कर रहा हूं या नहीं कर रहा हूं, सब कुछ आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो थोड़ा अच्छे से देखिएगा, ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है अगर आप इवेंट ब्लॉगिंग कर रहे हैं। अगर नए हैं तो बिल्कुल अच्छे से देखिएगा, अगर पैसे फंसाने की सोच रहे हैं तो और भी अच्छे से देखिएगा और इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, लास्ट तक वॉच कीजिएगा। देखिए फ्रेंड, सबसे पहले बात करते हैं जो इवेंट ब्लॉगिंग है वो करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। करना चाहिए तो इवेंट ब्लॉगिंग की जो स्क्रिप्ट है वो कहाँ से लेंगे, सब कुछ आपको दिए हैं, लेकिन मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ, अगर नेट पर भी सर्च करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा स्क्रिप्ट मिल जाएंगे। ऐसा नहीं है कि आपको स्क्रिप्ट नहीं मिलेंगे, आपको बहुत ज़्यादा स्क्रिप्ट मिल जाएंगे। जैसे कि यहाँ पर मैं खुद यहाँ पर दिया हूँ तो यहाँ पर भी स्क्रिप्ट मिल जाएगा। तो यहाँ पे बताया हूँ कैसे बना सकते हैं, ये तो बात होगी, आप लोग पूछ रहे थे कैसे बनाएं तो बना दिए, वेबसाइट बनाना आपको सिखा दिए इवेंट वाला। अब बात ये आती है कि इसको वायरल कैसे करें। बेसिकली फ्रेंड, पहले क्या होता था कि हमने बहुत सारे ग्रुप ज्वाइन किए, तो अगर मान लीजिए आपका 256 ग्रुप है तो 256 ग्रुप में एक ही साथ मैसेज सेंड कर सकते थे सब कुछ सिलेक्ट करने के बाद से। अभी क्या है कि 5 ही मेंबर को सिलेक्ट कर सकते हैं या फिर 5 ग्रुप को ही सिलेक्ट करके आप मैसेज कर सकते हैं, तो यहाँ पर बहुत ही बड़ा नुकसान होने वाला, आपका टाइम बेकार होगा। आप 5-5 ग्रुप को सेंड करेंगे तो बहुत ज़्यादा मैसेज आएंगे। अगर आप 400 ग्रुप ज्वाइन किए होंगे तो उसमें सोचिए, अगर 400 ग्रुप में सब में मेंबर होंगे तो सब कोई अपना ही ग्रुप क्यों यहाँ पे लोग ज्वाइन करते हैं, आज के समय में फायदा के लिए नहीं ग्रुप ज्वाइन कर रहे हैं, सब कोई अपना लिंक शेयर करने के लिए ही ग्रुप ज्वाइन कर रहे हैं, आपको पता होगा। तो देखिए, अगर आप वर्क कर रहे हैं तो सब कोई अपना ही फायदा सोच रहा है, तो ग्रुप ज्वाइन करेंगे तो वहाँ पर क्या होगा, सब कोई अपना ही लिंक शेयर करता होगा और आप भी अपना लिंक शेयर करते होंगे और दूसरे के लिंक पर बिल्कुल नहीं क्लिक करते होंगे ना ही ओपन करते होंगे। आप क्या करते होंगे, उस ग्रुप को मूव किए होंगे और एक ही बार सेलेक्ट करते होंगे, क्लियर कर देते होंगे सारे मैसेज को। ऐसे ही अगला यूजर करते जाएगा, कोई किसी का ओपन नहीं करता। उसमें से अगर 200 मेंबर है तो 10 मेंबर 50 मेंबर ओपन करेंगे, बाकी तो ओपन ही नहीं करेंगे, मैसेज ही डिलीट कर देंगे, वो बस ज्वाइन किए अपना ग्रुप सेंड करने के लिए, सब कोई ऐसा ही कर रहा है। तो यहाँ पे पहले क्या होता था कि मैसेज सेंड करते जाइए, क्योंकि ये स्क्रिप्ट पहले क्या होता था कि स्क्रिप्ट कम थी और इस तरह के मैसेज कम आते थे, अब सबको पता हो गया है, इस व्हाट्सएप पे शेयर करना है तो सब कोई जान रहा है स्क्रिप्ट है, कौन सेंड करने जाएगा, कौन ओपन करेगा, सबको पता है कि ये स्क्रिप्ट है। तो इस तरह से पहले इवेंट ब्लॉगिंग जो आता था, फेस्टिवल जो आते थे, उस पर करके आप अच्छा कमाई कर सकते थे, लेकिन अभी थोड़ा सा कम हो गया है। अगर आप फेस्टिवल वाली विशेष वेबसाइट बनाए होंगे तो अभी के टाइम में बहुत ही कम आपके ब्लॉग में ट्रैफिक आ रहे होंगे, आपको पता होगा। मैं भी कुछ दिन पहले यूज़ किया था, अब तो मैं बिल्कुल छोड़ दिया हूँ, काफ़ी शेयर किया था मैंने, बहुत ज़्यादा ग्रुप ज्वाइन किए थे और शेयर किए थे, हालांकि ज़्यादा पेज व्यू नहीं आता था, 200-300 पेज व्यू आते थे, और क्या होता था कि लिंक शेयर करने में इतना ज़्यादा टाइम लगता था और एक तो मैसेज से परेशान, अगर 10 ग्रुप भी ज्वाइन करेंगे तो 10 ग्रुप में एनी टाइम मैसेज आता रहता है फ्रेंड, तो एक तो उससे परेशान हो जाएंगे, आप पूरा परेशान ही हो जाएंगे। हाँ, अगर आप कोई लड़कियों का वाला ग्रुप है या फिर लड़की है और वर्क कर रहे हैं तो आपका मैसेज वायरल होने वाला है, लड़कियों वाला मैसेज तुरंत वायरल हो जाता है, ये तो आपको पता ही होगा, उन लोगों का मैसेज ज़्यादा सेंड होता है, तो वो लोग मतलब कि ज़्यादा अर्निंग कर सकते हैं, अगर कोई लड़की है तो ज़्यादा अर्निंग कर सकते हैं, उसमें अपना वॉयस वगैरह लगा सकते हैं या फिर एक फेक नंबर लेकर के वहाँ पे अपना ग्रुप बना करके मेरे वेबसाइट पे क्लिक करो, ये करो, शेयर करो तो मैं बात करूँगी, ऐसे वैसे लोग वो बोलते हैं, तो इस तरह से वायरल उन लोग का ज़्यादा हो जाता है। यहाँ पे क्या है कि अगर आप किसी भी एजुकेशन ग्रुप या कोई भी ग्रुप ज्वाइन कीजिए तो आपको पता होगा कोई ओपन नहीं करता होगा, आप खुद ही नहीं करते होंगे, तो यहाँ पे आपका टाइम बेकार जा रहा है, क्या जा रहा है, टाइम बेकार जा रहा है। और यहाँ पे बहुत ऐसे यूजर मिले हैं कि जो इसी विशिंग वेबसाइट के लिए 15 अगस्त के लिए अपना डोमेन नेम लिए हैं, होस्टिंग लिए हैं, वर्क कर रहे हैं कि हाँ इससे कुछ अर्निंग हो जाए, शेयर में लगे हैं, फिर भी अगर आप वर्क कर रहे हैं तो आपको पता होगा कितना व्यू आ रहा है, कितना मेहनत कर रहे हैं और कितना पेज व्यू आ रहा है। तो ये शॉर्ट टर्म है पैसा कमाने के लिए, अगर आपका जो है कि चांस रहा तो मतलब कि आप कमा सकते हैं, अगर नहीं रहा तो फिर आपका पैसा भी डूबेगा यहाँ पे और इसमें आप सक्सेस नहीं पा सकते हैं फ्रेंड, आप यहाँ पे लॉन्ग टाइम नहीं चल सकते हैं। रही बात गूगल एडसेंस अकाउंट यूज़ करने की, तो आप गूगल एडसेंस का ऐड यूज़ कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे आपका एडसेंस अकाउंट सस्पेंड नहीं होगा, बिल्कुल कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से और आज के टाइम में, अभी के टाइम में मैं आपको जो बता रहा हूँ कि मेरे हिसाब से मैं अभी इवेंट ब्लॉगिंग नहीं कर रहा हूँ इसमें, क्योंकि मेरा टाइम बहुत ज़्यादा बेकार जा रहा है और लिंक शेयर करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग रहे हैं।
और हमको पता हो गया कि मैं कितना ग्रुप में ज्वाइन किया हूँ और कितना ग्रुप में मैं शेयर कर रहा हूँ, तो कितना क्लिक आ रहे हैं उस वहाँ पे, कितना पेज व्यू आ रहे हैं, बिल्कुल नहीं आता है फ्रेंड, आपको पता ही होगा ज्वाइन करते होंगे तो। अगर आपके अगर आप इवेंट ब्लॉगिंग करते हैं, लिंक जो है कि शेयर किए होंगे, तो एक बार वो आप बताइए कितना पेज व्यू आता है और क्या आता है, कितना ग्रुप ज्वाइन, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इससे एक आइडिया मिलेगा, दूसरों को भी आइडिया मिल जाता है कि हाँ करना चाहिए नहीं करना चाहिए। बट मेरा जो ओपिनियन है, मैं आपके साथ बताया, जो आपने पूछा था वो मैं आपके साथ शेयर किया हूँ। फ्रेंड अभी तक हमारे वीडियो को वॉच करना है तो आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फ्रेंड अगर आप बिल्कुल नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकन ऑन कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।